के साथ साथ मेरे 175 सभाएं हो गई और ये पूरे क्षेत्र के अंदर घूमने के बाद ये जो आखिरी 4 दिन रह गए थे उसमें आप सबके दर्शन करते हुए ये करीबन 4,500 किलोमीटर अपने पूरे हो जाएंगे जब ये यात्रा संपन्न हो जाती है और उसमें मुझे पूरे राजस्थान का चप्पा चप्पा देखने को आज तक मिला। और मैं आपको ये सबको कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ आपके आपके गेडली में खड़ी हूँ या मैं आपके बाड़मेर में खड़ी हूँ या मैं अजमेर में खड़ी हूँ और चाहे कोटा में क्यों ना खड़ी हूँ, आंख अगर मैं बंद कर लूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, चाहे वो सड़क है, चाहे वो रोजगार डॉक्टर या टीचर की बात है, वो सब दूर एक ही किस्म की मुसीबत है। पूरे लोग हमारे जहाँ भी है वो सब रो रहे हैं। मैं यहाँ देखते चली आ रही हूँ तो सबसे पहले मेरे को आपसे पानी के बारे में पता करना है। मैंने ये पता किया तो मुझे ये लोगों ने बताया कि करीबन 12 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं कठुआ के अंदर और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नलकूप पर हैंडपंप अपने पैर के अंदर हमने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो स्थिति मेरे को दिखाई दे रही है कि गांव के अंदर 65 गांव ऐसे हैं जिनको अभी भी फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है, खारा पानी और फ्लोराइड युक्त पानी, क्या ये सही है? सत्तू ये हो रहा है और मेरे को ये कह रहे हैं कि पानी की सप्लाई अगर आती है तो फ्लोराइड युक्त ही है और बहुत कम पानी आता है, समझो ये एक एक बाल्टी पानी आप लोगों को ये गरम पानी आप लोगों को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्या ये सही है? तो फिर कहां से लाते हो, क्या करते हो रोज, कैसे करते हो आप लोग, क्योंकि आपकी स्थिति तो इससे भी गले की स्थिति पर लाते हो कुएं से दूर दूर से और कुएं से टैंकर से, टैंकर आते हैं करीबन 1,000 रुपए के, कहीं अरे 800 रुपए, कहीं 500 रुपए, कहीं 600 रुपए और कहीं 1,000 रुपए। बाड़मेर के अंदर 1,000 रुपए आप लोग देखिए, मैं तो देख के हैरान हो गई कि पानी की स्थिति है और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम रिफाइनरी लगाएंगे, आदमी पानी नहीं पी पा रहा है, उसको बिजली नहीं मिल रही है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है और हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं पता करना चाहती हूँ आप लोगों से कि बिजली मिल रही है किसानों को 8 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे मिल रही है और ये भी मेरे को ये बताया जाता है कि जोरदार कटिंग और क्लिपिंग के साथ, तो खेत में जो किसान जाता है उसको सही तरीके से बिजली नहीं मिलती है और हमारी माता बहनों को राजस्थान के इतिहास में पहली दफा हम लोगों ने चला के एक सिंगल फेज की लाइन आप लोगों को अपने घरों में दी और ये मैं सोच रही थी कि जाते जाते 18 से 20 घंटे बिजली आपको दे रही थी, जाते जाते मैं सोच रहा कि 6 महीने और आपको मिल जाता तो 24 घंटे बिजली हम आपको अपने घर के अंदर सिंगल फेज की बिजली देने का काम करते और मैं आपको विश्वास आज देख के जा रही हूँ माता बहने कि आप लोगों को घरों के अंदर सरकार अपनी आएगी तो 24 घंटे बिजली देने का काम होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। हमारी कोशिश है कि हमारी बच्चियों को सही तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अगर घर में बिजली है तो ये होगा, आप घर के अंदर सिंगल फेज की बिजली 24 घंटे दे देते हो तो थके मारते सब अपने खेत से अपनी दुकानों से आते हैं अपने धंधे से आते हैं तो ठंडक घर के अंदर मिलता है। मैं ये सोच के रखा था कि आप लोगों को 2008 के अंदर ही 24 घंटे बिजली मिल जाती परंतु ये सरकार ने आके पूरा काम नाकामयाब किया और 4 साल 4.5 साल बीतने के बाद भी आप लोगों को घर तक बिजली पहुंचाने का ये काम न कर सकी। लानत है ऐसी सरकार पे जो ये इतना छोटा काम नहीं कर पाई और मैं आपको विश्वास देना चाहती हूँ कि ये काम करके हम लोग देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। पूरे विधानसभा के अंदर मैंने देख लिया है कि कहीं भी नई सड़क नहीं बनी है, मैंने देख लिया पूरे विधानसभा के अंदर लोगों ने मुझे सड़क के ऊपर रोक के ये कहा है कि हमारा ट्रांसफॉर्मर आपके समय में 72 घंटे में बदला जाता था, अब हमको 72 महीने में नहीं मिलता, हमारे मिलते भी अब हमारा समय निकल जाता है, जब तक हम लोग पैसा नहीं देते, जब तक रिश्वत नहीं देते तब तक हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र का वापिस वोट नहीं आता, क्या ये सही है? बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, अभी अभी मैं देख रही थी, मैं आई थी बाड़मेर से,
तो बाड़मेर के अंदर अभी सड़क निर्माण का काम चल रहा है, तो मंत्री तो खुद ही कह रहा है कि सड़क का जो काम हो रहा है वो बिल्कुल ही सब चंद काम है, वो ठीक काम नहीं है। परंतु वहां एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली। मैंने देखा कि जब मैं गई थी बाड़मेर के गांव के अंदर, तो उन लोगों ने मेरे ये कहा कि ये सड़क जो आपकी देखने को मिल रही है, ये सड़क अभी तेज आंधी आई थी, धोरी मल्ला पंचायत समिति की बात है, बाड़मेर ग्राम पंचायत में तेज आंधी में पूरी सड़क ही उड़ गई, पूरी सड़क ही उड़ गई। मैंने धोरी मल्ला वालों को ये कहा, मैंने कहा भैया इतनी अच्छी कहानी आपने सुनाया है, ऐसा तो हो नहीं सकता। उन्होंने कहा मैडम चलो हम आपको दिखा देते हैं कि कौन सी सड़क है, ये ऐसी बात नहीं है, इतनी जोरदार आंधी आई और सड़क की सड़क ही खत्म हो गई, ये आपको देखने को हम ले जाएंगे और दिखाएंगे। अरे ये हो रहा है राजस्थान के अंदर, पानी पड़ता है तो सड़क की सड़क उखड़ जाती है। अभी मैं आपके गांव में से निकल के आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि बरसात के अंदर पूरे गांव के अंदर पानी भरा हुआ है। अभी यहां से मैं निकल के आई, पूरे गांव के अंदर पानी भरा हुआ था। लोगों का ये कहना है कि ये पानी अब टाइम लगेगा, एक पंप भी लगा हुआ है कि वो पंप लगेगा तो पानी निकाला जाएगा। कैसी विडंबना है कि पीने को पानी नहीं है और पंप से हमको ये गंदा पानी निकालना पड़ रहा है, क्योंकि लोग शहर के अंदर घूम नहीं पा रहे। मैं अभी आप लोगों को ये कहने आई थी कि देखिए स्कूल के अंदर टीचर नहीं है, और जहाँ टीचर है वहां स्कूल नहीं है, और जहां जगह पे देखना है प्रिंसिपल तो कई स्कूलों के अंदर नहीं है, थर्ड ग्रेड टीचर चला रहे हैं, सेकेंड ग्रेड टीचर मिल नहीं पा रहे हैं। आपकी ये हालत है तो बच्चे पढ़ के खड़े कैसे होंगे अपने पैर पे, और कल को इनको नौकरी मिले तो कैसे मिले। आज हमने अपनी सरकार के टाइम में 5 साल के अंदर 10 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम किया था। आज मैं पूछ रही हूँ इन लोगों ने कितना काम दिया, तो मेरे को बताते हैं कि बड़ी मुश्किल से आप ये समझिए 10,000 बच्चों को नौकरी मिल गई होगी, तो बहुत बड़ी गनीमत है, बहुत बड़ी गनीमत है। और अभी टीचर बनने के लिए एक नया परीक्षा छोड़ रखा है आप लोगों के बीच में, नाम है उसका टेट, इसका नाम आपने सुना होगा। और मैंने सब लोगों को ये कह दिया कि स्टेट का अपन लोग प्रबंधन करेंगे, और नए सिरे से आरपीएससी के द्वारा जैसे पहले हम लोग करा करते थे, आपको इससे स्टेट चीज करने की बिल्कुल ही चिंता नहीं है, क्योंकि ये काम अपन करेंगे। और उस समय अगर हम लोग 10 लाख बच्चों को सरकारी और गैर सरकारी नौकरी दिलवा सकते थे, तो आने वाले समय के अंदर भी हम लोग देखे छोड़ेंगे, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ किसान भाइयों से पता करने आई हूँ, भाइयों मुझे ये बताओ कि यहाँ पाला पड़ा था, आपके यहाँ ओलावृष्टि हुई थी, तो मुझे ये बताया गया था कि आप लोगों को एक जोरदार मुआवजा मिला, मुझे ये बताया गया। अब आप लोग सब अपना हाथ ऊपर कर रहे हो, मेरे को जयपुर के अंदर ये बताया गया था कि आप लोगों के बिजली के जो दाम है उसको कम कर दिया गया है, और एक पैसे का पैकेज आपको दिया गया, और बीमा जो बीमा करना था उस इलाके के अंदर उस बीमे का भी इंतजाम किया हुआ है, क्या ये सही है? नहीं, हर चीज में आप लोग नहीं करते हैं। उन्होंने मेरे को ये कहा था कि मुआवजा की कोई चिंता नहीं कर, हमने बना के दिया। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अपने समय के अंदर हम लोगों ने, जबकि ये सीआरएफ के अंदर था भी नहीं, तब भी हम लोगों ने पैसा निकाल के जहां जहां नुकसान हुआ था वहां मुआवजा देने का काम किया था। हम ये विचार कर रहे हैं कि ये सरकार कह के भी क्यों नहीं दे रही है, ये हमें बताने का कष्ट करे। हमारे किसान आज उनको ना तो समय के ऊपर बीज मिलता है, और अगर आता है तो वो नकली बीज है। आज उनको सही समय पर खाद नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ के खाद के पट्टे यहाँ आते हैं। दोनों में इतनी महंगाई हो गई है कि आपके डीएपी हो या यूरिया हो वो सामान बहुत ही ज्यादा महंगा हो गया है। और उसके बाद जब इसकी फसल आती है तो फसल जब काट के बाजार के अंदर ले जाता है तो बाजार में उसको जिस तरीके से दाम मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर आजू बाजू अगर सब मिल सकता है, तो राजस्थान के किसान को हम लोगों ने ऐसा क्यों छोड़ के रखा? महाराष्ट्र के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या करता है, राजस्थान के अंदर ये कभी नहीं हुआ, परंतु अब वो स्थिति बन गई है जो हमारा किसान भी आत्महत्या की कगार पर है, आत्महत्या करने लगा है। ये राजस्थान की सरकार ने लाके हमारे किसानों को इस हालत पे जाके खड़ा कर दिया है। मैं सब किसानों को ये कहना चाहती हूँ,
कि नए सिरे से हम लोगों को इस चीजों को देखना पड़ेगा। याद रखना पड़ेगा कि जो पैसा है वो आपका पैसा है, ये सरकार का पैसा नहीं है। और वो आपके पास अगर है तो आपको खुश करने के लिए लगना चाहिए, ये इस तरीके से नहीं बटना चाहिए कि साढ़े चार साल हम कुछ नहीं करें, अपने जेब भरे और चौथे साल में या पांचवे साल में, पांच महीने जब बचते हैं तो सौगातें बांटना शुरू कर दे, ये सोच सके कि हमारी जनता हमारे झूठ के जाल के अंदर आ जाएगी और हमको फिर से वोट देगी। मैंने सबको ये कह दिया है कि राजस्थान की जनता शायद गरीब हो सकती है परंतु बहुत ही इज्जतदार और स्वाभिमानी जनता है, और वो कभी भी ऐसी किसी की बात में नहीं आएगी, भूखे सो जाएगी परंतु अपने इज्जत और स्वाभिमान के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। और ये आपको चुनाव के अंदर देखने को मिलेगा, ये सबको देखने को मिल जाएगा। अरे भाई ये बताओ नरेगा का काम हो रहा है? होगा भी कैसे, 13,000 करोड़ रुपया का तो घोटाला ही अलग हुआ है। 13,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने अपने जेबों के अंदर भरने का काम किया है। मैं आपको याद दिलाऊं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब राजस्थान पूरे देश में नरेगा के अंदर नंबर एक था, पूरा देश इसको मानता था कि सबसे अच्छा काम नरेगा के अंदर अगर हुआ है तो वो राजस्थान में हुआ है। 36 लाख लोगों को नौकरी देने का हम लोगों ने काम किया था। आज 1,25,000 लोग अगर मुश्किल से नौकरियों को मिल रही है, वो भी पूरे पैसे नहीं मिल रहे, हमारे 26 लाख लोगों को हमने सही समय के ऊपर पैसा दिया, और जिन जिन महिलाओं ने अपना काम पूरा कर दिया था वो चौथे और पांचवे साल के अंदर हम लोगों ने उनको लुगड़ी और साड़ी देने का काम भी किया, हमारी महिलाओं को मिला। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज ये महानरेगा के अंदर बिल्कुल लूट खसोट हो रही है, किसी को ना तो लुगड़ी मिल रही है ना किसी को साड़ी मिल रही है, और कोई जाता है कहने के लिए कि मेरी लुगड़ी और साड़ी का क्या है, तो पहले कहते हैं कि लुगड़ी और साड़ी नहीं मिलेगी तो पैसा ले जाओ हर चीज के अंदर पैसा ले जाओ। अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो 36 लाख लोग जो थे जब हमारा प्रदेश हमारे हाथ में आया था तो बीमार प्रदेश माना जाता था, उन 36 लोगों ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जोरदार काम करके बड़ी संपत्तियां खड़ी करके राजस्थान को गड्ढे में से निकालने का काम हुआ, तो हम सब लोगों ने मिलकर किया, वो 26 लाख लोगों ने हमारे साथ मिलकर राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया, ये वो था नरेगा का काम। और आज नरेगा का काम आप लोग देख लीजिए किसी को नहीं मिल रहा। इसके साथ साथ अब आ गया कि लोग आने रहे बातों में तो चलो पेंशन ही बांट दो, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि साढ़े चार साल में तुमने अभी तक पेंशन बांटे क्यों नहीं? भामाशाह की योजना में छोड़ के गई थी, उस भामाशाह की योजना के 200 करोड़ रुपए अभी भी बैंक में पड़े हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया? और अगर भामाशाह करते तो वो हमारी 50 लाख परिवार जो बीपीएल के परिवार है, जो एससी एसटी के परिवार है, जो लघु और सीमांत कृषक के परिवार है, वो अपनी महिलाओं के द्वारा अपने परिवार को पैसा और पेंशन देने का काम करते। हमने 1,500 रुपए दिया था कि आप लोग अपने बैंक अकाउंट खोलिए, और बैंक अकाउंट खोलने के बाद आपको 30,000 रुपया स्वास्थ्य बीमा के हिसाब से और मिल जाएगा उस कार्ड के ऊपर, और आप लोग उस बैंक अकाउंट के अंदर अपना जमा करिए, आपका पेंशन लीजिए, उस पेंशन को जमा करिए। साढ़े चार साल तक नहीं दिया, लूटा, अपने जेब में रखा, जनता के पास नहीं पहुंचाया, और अब पेंशन की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ आप लोग सब बैठे हो डॉक्टरों की, मैं खेलडी के सामुदायिक अस्पताल में ना तो मेडिसिन ना सर्जरी के विशेषज्ञ के पद जो है वो खाली पड़े हुए, कठुम्बर में जो अस्पताल है उसमें 6 स्थान के ऊपर 2 डॉक्टर है, जांच सुविधा नाम की चीज ही नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर नहीं, ANM के ऊपर हॉस्पिटल चल रहे हैं, खेलडी नेशनल हॉस्पिटल के अंदर जितने होने चाहिए वो नहीं है, और फिर आप हमको कह रहे हो कि आप फ्री दवाई और फ्री जांच करा रहे हो, जनता की मिल रहा है किसी को फ्री जांच और फ्री दवाई? कैसे मिलेगा जब डॉक्टर नहीं है, जब नर्स नहीं है, जब लैब कंपाउंडर नहीं है तो कैसे मिलेगा? और आप दिल्ली में जाके पूछ लो, जयपुर में जाके पूछ लो, तो कहेंगे कि अशोक गहलोत जी ने क्या वंडरफुल काम किया है, इतना अच्छा काम कर दिया है, जनता को फ्री दवाई और जनता को फ्री इलाज देके इतने सारे लोगों का हाल ठीक किया। मैं ये जानती हूँ कि मैं जहाँ जा गई हूँ वहाँ किसी का हाल कुछ नहीं हुआ है, वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। भाइयों किसी को किसी की मदद नहीं की है आज तक,
और करेंगे भी कैसे इसलिए मैंने तो एक उनके नेता का भाषण लेके आई। राहुल गांधी आप लोग सब जानते हो, अब आप बीपीएल परिवार का भी आप समझ रहे हो कि क्या स्थिति है। बीपीएल परिवार के अंदर राजस्थान के अंदर ये स्थिति है कि जिन लोगों को बीपीएल पे होना चाहिए वो तो बीपीएल नहीं है, और जिनको बीपीएल होना चाहिए वो बेचारे बीपीएल से बाहर है। हमारे लोग कहते हैं कि गरीब अब गरीब नहीं है। अगर पूछ लो भारत सरकार से तो भारत की सरकार ये कहती है कि यहाँ 70% हमारे देश के अंदर बीपीएल और गरीब परिवार हो गए हैं। और राहुल गांधी क्या कहते हैं, अभी आज पढ़ा होगा आपने, कहते हैं कि गरीबी बस मानसिक स्थिति है भाइयों, आपको नहीं, खाली गरीबी जो है वो यहाँ है दिमाग की बात है, ये मानसिक स्थिति है। रुपया पैसा से इसका कोई लेना देना नहीं, समझ लो। अब ये आपके देश चलाने वाले हैं जो कहते हैं कि गरीबी जो है वो यहाँ मानसिक स्थिति है, तो आप 60 साल से गरीबी हटाओ की बात क्यों कर रहे हो। 60 साल से हम लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, और आप आ कह रहे हो, राहुल गांधी कह रहा है कि खाली दिमाग की बात है, रुपया पैसा से इसका लेना देना नहीं, तो ये सब गरीब, वैसे ही ये सब दिमाग खराब है ये कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोग जो दिल्ली के एयर कंडीशन के कमरे में रहकर बैठे हुए हैं वो यहाँ आए और हमारे क्षेत्र के अंदर घूम के देखे कि गरीबी क्या चीज होती है। जब पेट पर खाना नहीं मिलता है तब किस तरीके से परिवार अपने को आगे बढ़ता है, और किस तरीके से माता बहनें उन परिवारों को चलाती है, जरा आंखें अपने आंखों से देख तो जाए। ये बहुत आसान है कहना कि गरीबी सिर्फ मानसिक बात है। मैं आपको ये कहूंगी कि राजस्थान के 63 वर्ष हो गए लोकतंत्र के, और लोकतंत्र के 63 वर्ष के अंदर 5 साल अगर मेरे निकाल दीजिए और 7 साल नैरो सिंह जी के निकाल दीजिए, तो 12 साल निकाल के 53 वर्ष हमने लगातार कांग्रेस को दिया। अगर हम लोगों को किसी को मिल जाता 53 वर्ष तो मैं कह सकती हूँ आपको कि चमन हो जाता चमन। आज 53 साल के अंदर राजस्थान में जब तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया है। लगा हुआ क्षेत्र आता है गुजरात, गुजरात के अंदर नरेंद्र भाई मोदी को मिले 15 साल, और 15 साल के अंदर उन्होंने दुनिया के मानचित्र के ऊपर गुजरात को पहुंचा दिया है। इधर मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल मिले शिवराज जी चौहान को, और हमारे देश के अंदर देश के मानचित्र पर ला के रख दिया है मध्य प्रदेश को। इधर 10 साल और 15 साल और यह 53 साल, और 53 साल के बाद जरा खेल के रास्ते पे चल के देखो, अगर कोई चल सकता है तो मैं तो नाम बदलने को तैयार। ऐसे तो 53 साल निकाल दिए, कभी किसानों को, कभी व्यवसायी को, कभी माता बहनों को, बच्चों को, कभी न कभी कुछ न कुछ कहते हैं, झूठ बोलते हुए निकलते जा रहे हैं, और इस तरीके से 53 साल होते भाई हो। अब मैं कह रही हूँ कि 1 वर्ष और भी हम लोगों को नहीं देना है। जिन लोगों ने हमारी इज्जत और हमारे स्वाभिमान को जमीन के अंदर घुसा के रखा है, ऐसे लोगों को कुर्सी पे बैठने का कोई हक है क्या? नहीं है। हमने कह दिया है, लोग सबने तय किया है कि आने वाले समय के अंदर एक नया राजस्थान बनेगा, एक ऐसा नया राजस्थान जिसमें हम लोग सब मिलके अपना हाथ देंगे, एक ऐसा नया राजस्थान जिसमें हमारे बच्चे अपने पैर पे खड़े होकर अपना सिर ऊंचा करके पलायन नहीं करेंगे, यही नौकरी करके हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा नया राजस्थान जिसमें हमारी माता और बहन सुरक्षित रहेगी, उसकी इज्जत रहेगी। आज राजस्थान में सबसे ज्यादा अत्याचार माता बहनों के हो रहे हैं, हमारी माता बहन सड़क पर नहीं जा सकती, अगर बच्ची जाती भी है तो दिल धड़कता है कि वो वापस कब आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, ये डर लगता है दिल के अंदर। हमारा नया राजस्थान ऐसा राजस्थान जिसमें हमारी माता बहने अपनी इज्जत के साथ सड़क पर चल सके, हम अपने घरों को आगे से आराम से चला सके, ऐसा नया राजस्थान, एक ऐसा नया राजस्थान जिसमें हमारे किसान मजबूती के साथ खड़े हो, जिसमें हमारे किसानों के हाथ को मजबूत करने का काम हम लोग सब मिलकर करें। क्या आप लोग चाहते हो कि ऐसा नया राजस्थान बने? अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसा नया राजस्थान बने तो उसके लिए लड़ने को तैयार हो क्या? क्योंकि हमारी जिंदगी को रफा दफा करने का काम ये सरकार करेगी। आज 4 महीने बाकी बच रहे चुनाव के लिए, और इस 4 महीने के अंदर उन लोगों ने हर चीज के ऊपर ये कह दिया कि आपको क्या चाहिए उसके
पैसे ले जाइए। किसी ने कह दिया कि भाई लैपटॉप चाहिए तो लैपटॉप चाहिए तो ले जाओ पैसे। और लैपटॉप मिल रहा है क्या? ये जो चीज आप लोगों को दे रहे हैं वो लैपटॉप है क्या? लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप के नाम पे कुछ और चीज दे दिया है। और किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है किसी को नहीं मालूम। गेहूं चाहिए लो गेहूं के पैसे ले जाओ, साड़ी चाहिए साड़ी के पैसे ले जाओ, बच्चे हैं तो दो कुर्ते पजामे भी ले जाओ, घर के लिए दो थाली और दो कटोरी भी ले जाओ। क्या चाहिए बस हमको खाली वोट दे दो। हम कहते हैं कि वोट उसी को मिलता है जो हमारी इज्जत को बचाता है, वोट उसी को मिलता है जो हमारे परिवार को आगे बढ़ाता है, वोट उसी को मिलता है जो राजस्थान की इज्जत को बना के राजस्थान को वापस ऊंचाई पे ले जाने का काम करता है, उसी वोट मिलेगा। सब कहते हैं कि सबसे ऊंचे गुजरात, सबसे ऊंचा मध्य प्रदेश नाम आते हैं। मैं कहती हूँ कि राजस्थान भी कहीं पीछे नहीं है, राजस्थान भी किसी से कम नहीं है। हमारे लोग, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हम सब लोग मिलकर उस राजस्थान को बनाने की तैयारी कर रहे हैं जिस राजस्थान को फिर से छूने, फिर से देखने और फिर से उससे गुण मिलने के लिए लोग बाहर से आएंगे। तुम तैयार हो? मुझे 5 महीने की सरकार आपको नहीं देनी है, ऐसी 5 महीने की सरकार जिसमें हम सौगाते बांटते फिरे। हमें देना है 5 साल की सरकार। आप लेने को तैयार हो? लेने को तैयार हो?